पूरा इधर आ जाए। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं, ये हम हैं, ये हमारी मम्मा हैं और यहाँ हमारे ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं वो बता दो। आज हम लोग पहले दिखा देते हैं प्लास्टिक में क्या दिखेगा, पीछे दिखाओ जो सामान। अच्छा। है ये रहा सारा सामान। ये कुछ लकड़ी के टुकड़े हैं जो फर्नीचर का काम हुआ था, तो ये सब कबाड़ है, इस कबाड़ से भी कुछ होगा। और ये भी दिखाना, ये पुराना वाला जो सोफा था ना, उसका पीछे का जो मतलब पीठ के साइड में जो गद्दी होती है वो है। तो इससे क्या करने वाले हैं, क्यों करने वाले हैं वो बताएगी मुन्नू, तो बताया जाए। वो इसलिए होता है क्योंकि हम लोग का रात में घमासान युद्ध होता है, जिससे सारी तकियां बेचारी सारे लोग नीचे गिर जाते हैं। और ये एक रात की बात नहीं है, ये हर रात होता है। हर रात ऐसी कुश्ती करती है मुन्नू, हम अकेले नहीं करते हैं। कि जितने भी मतलब बेड पे हमारे जो जुगाड़ वाला बेड है, आप लोगों को पहले भी बताया कि हमारे रूम में जो बेड है वो जुगाड़ वाला है, एक दीवान है और एक जो अल्मीनियम वाला बॉक्स होता है ना वो है। तो उनके हाथ में दर्द हो रहा है, ये हमको देख के समझ में आ रहा है। तो रात में क्या होता है ना, जुगाड़ के वजह से क्या है, आगे से तो हम लोग एकदम बराबर कर दिए हैं बेड, बिल्कुल मतलब एक लेवल है, लेकिन पीछे से क्या है कि लकड़ी वाला जो दीवार है वो थोड़ा सा छोटा है और जो दूसरा बॉक्स है वो थोड़ा बड़ा, जिस वजह से कि पीछे गैप रहता है और जो कुशन वगैरह होते हैं ना रात में इसके और हमारे चक्कर में, वो सारे कुशन नीचे होते हैं और जो सुबह हम लोग उठते हैं तो बिस्तर पे से हम और मुन्नू दिखते हैं, सारे कुशन नीचे हो जाते हैं। तो उसका आज हम लोग DIY के जुगाड़ से एक बेड का सिरहाना बनाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्राइपॉड का सेट कर दो, कर रहे हैं। ब्लॉगिंग इतनी इजी नहीं है, समझ में आ गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सेट कर दो। चलो दो वो गद्दी दो, वो डायलॉग बोली, पूरा डायलॉग हम सुनाते हैं। ये है देखिए जो सोफे का पुराने वाले सोफे का पीछे का था ना हिस्सा, वो है। तो ये पांच है और पांचों को लगा के देख लिए थे हमारे बेड के साइज में है। तो पहले इसमें क्या करेंगे ना, इन पांचों को ज्वाइंट करेंगे, ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या होता है, बनता है बिगड़ता है वो सब सामने आ जाएगा। लाभ क्या, अरे बहुत कुछ कर रही है, उनको पता है। तो ये जो टुकड़े है ना इसी से इसको ज्वाइंट करेंगे, क्या देखते हैं हो जाएगा। पास से तुम दिखाना चाहो तो दिखा सकती हो। क्या है तो निकालना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, ट्राइपॉड को मम्मी के पास ले जाना पड़ेगा, फिर आप लोग को दिखाना पड़ेगा। ये जो पीछे इसमें लगा है ना 6 mm का ही प्लाई है, तो ये जो यूज कर रहे हैं जो कट पीस ये सब टुकड़े निकले हैं ये भी 6 mm का है और ये बारीक वाली कील है। तो पहले इससे इसको जोड़ लेते हैं। घुस गया। तो इसी तरीके से ना इसको पूरा अच्छे से पहले ज्वाइंट कर लेते हैं, पांचों को जोड़ लेंगे। 1-1.5 महीने जो कारपेंटर का काम चला ना उसकी वजह से आधा कारपेंटर हम खुद बन चुके हैं। तो ये मेरे दिमाग में आइडिया है कि ये गद्दे को फेंकने से अच्छा इसका मतलब थोड़ा सा कुछ किया जाए और अपना बेड जो है उसका सिरहाना बनाया जाए। तो अभी देखते हैं ये कैसा बनेगा, कोशिश तो है कि ये अच्छे से बन जाए और जो कील है ना वो पीछे के साइड जाएगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि फोम लगा हुआ है। ऐसा करो कैसे करो, थोड़ा कैमरा में बताओ कैसे करो। जैसे ये आपके बाल आगे आ जाते हैं तो DIY है, आपके हाथ में एक हाथ में आटा लगाया दूसरे हाथ में भी आटा लगाया तो आप ऐसे कर सकते हैं। करो, मेरे इतने बाल आगे नहीं आते हैं यार। हाँ कर लो ना, एक मिनट करके दिखा दो। तो चलिए इसको पूरा यहाँ तक ऐसे मतलब 2-3 टुकड़े हैं इस तरीके से ये ऐसे ज्वाइंट कर लेते हैं। अच्छे से दिखाना नीचे इस तरीके से, इसको भी यहाँ पे भी ज्वाइंट कर लेंगे तो क्या होगा गद्दी अटैच हो जाएगी आपस में और हिलेगी नहीं इधर से उधर। तो इसको कर लेते हैं उसके बाद दिखाते हैं आपको। मम्मी गन्नू कैसे बोलता है, इस तरह से नहीं उस तरह से। चलो अभी वीडियो चिल्ला रही थी मैं ऊपर। हाँ चिल्लाएंगे नहीं, कुछ भी काम करो तो बहुत डिस्टर्ब करती हो, क्या लगता है? जैसे बोली थी वैसे ही बोलो। अभी तुमको उठा के पटक देंगे, समझे? नहीं बोली थी गुस्से में, मत चढ़ो ना मुन्नू ऊपर, टूट जाएगा। एक मिनट,
लाती रहती हो। एक गेंद तुमसे नहीं रख पाएगा, एक गेंद तुमसे ठुकेगा नहीं, बस हम लाओ ठुक के खाते हैं। हट जाओ यहाँ से, हटो जल्दी। सबके घर में बच्चे ऐसे ही होते हैं और सब बच्चे ऐसे ही डांट खाते हैं। ठीक है, बड़ी आई, बड़ी मेरा डायलॉग मार रही है। मेरा डायलॉग है बड़ी आई, तब मम्मी कहती है बड़े तो हम है नहीं, ऊपर वाले घर से बना के बड़े भेजे गए थे। देखो हो गया, ये देखो ये ज्वाइंट हो गया। तरीके से बाकी कभी इसी में ज्वाइंट कर लो। मम्मा अपना स्लीपर हटा लो, व्लॉग में दिख रहा है। क्यों, लोग स्लीपर नहीं पहनते हैं क्या? अच्छा पहनते हैं, हमको लगा बस अभी पहनते हैं। ओ मेरी मासूमियत, अरे तेरी मासूमियत। अरे 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 ये क्या हो रहा? अच्छा मेरा हाथ आ गया था कैमरा के आगे, सॉरी को तीन तरह से बोलते हैं, सॉरी सारी सूरी, चार पांच बता दिए हम। तो ये वाला ज्वाइंट तो पूरा हम कर चुके हैं ये सारा, लेकिन अभी थोड़ा सा क्या है ना कि ये ऐसे ऐसे हो रहा है इस टाइप से, तो ये इस तरीके से इसमें लचक ना रहे, इसके लिए ऐसे करके ये भी हम लोग प्लाई यहाँ पे भी लगा देंगे। हम बैकग्राउंड म्यूजिक दे। तो देखिए जो भी ये पांचों सोफे के गद्दे थे ना, उनको इस तरीके से प्लाई के टुकड़ों से अटैच कर दिए हैं, और अगर अच्छे से प्लाई होता तो ये टुकड़े जोड़ने की जरूरत नहीं थी, एक लंबे प्लाई में भी ये हो सकता था। लेकिन जैसा कि सबको पता है कि बाहर माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब है और अभी बाहर निकलना सेफ भी नहीं है, तो इसलिए जो भी टुकड़े थे उनको ही इस तरीके से जोड़ के और ये पूरी गद्दियों को अटैच कर दिए हैं। और इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपना ध्यान रखना, और जरूरत ना होने पे बिल्कुल बाहर ना जाइए। तो इसीलिए हम लोग भी जो भी ये सारे कबाड़ है ना, इनको जोड़ जोड़ के सब बना रहे हैं। तो ये देखिए बेड हमारा जो कि जुगाड़ वाला बेड है, कई बार बता चुके हैं। तो इस तरीके से यहाँ से देखिए पिलो चला जाता है नीचे और कुशन चला जाता है नीचे, कई बार ओढ़ने वाले जो चद्दर वगैरह होते हैं वो भी नीचे चले जाते हैं या कुछ भी नीचे गिर जाता है, क्योंकि ये जुगाड़ वाला बेड है। एक तो दीवान है और दूसरा जो बॉक्स होते हैं ना वो है, तो दोनों को जोड़ के हम लोगों ने बेड बनाया हुआ है। तो जो दीवान है लकड़ी वाला वो तो थोड़ा सा उसका साइज बड़ा है और जो दूसरा बॉक्स है वो थोड़ा छोटा है, लेकिन हम लोगों ने क्या किया, सामने भी आप देख सकते हैं एक चादर जैसी वाइट और मैरून कलर की लगी है ना, तो उसको भी ढकने के लिए अभी जुगाड़ में वही लगा के रखे कि सामने से भी ना पता चले कि दो अलग अलग चीजों को जोड़ के बेड बनाया गया है। तो सामने से तो इस तरीके से कर दिए, बचा था ये पीछे का सिरहाना तो जिसको ठीक करना था। तो ये लगा कि ये गद्दियां ऐसे फेंक दी जाएंगी, इनका कोई भी इस्तेमाल नहीं होने वाला है, तो क्यों ना इससे एक बेड का सिरहाना बनाया जाए। तो जो राउंड वाला शेप था जो कि सोफे में ऊपर के साइड आता था उसको नीचे कर दिए, क्योंकि अगर ऊपर के साइड करते तो वो देखने में भी अच्छा नहीं लगता, राउंड राउंड सा आता, और उसके ऊपर अभी कोई भी कवर लगाना पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि इतना बड़ा कोई भी कपड़ा ऐसा नहीं था हमारे पास जो हम लोग इसमें लगा सके। तो इसलिए इसको उल्टे साइड से किए तो वो देखने में भी अच्छा लग रहा है और कोई भी कपड़ा आराम से इसमें लग जाएगा, क्योंकि अभी लॉकडाउन है। तो जब थोड़ा माहौल ठीक होगा, सब कुछ ठीक होगा, तो देखते हैं फिर इसके लिए कुछ अच्छा सा बनाएंगे कपड़ा वगैरह लाके। और इसको अभी दीवार में टिकाने का भी जुगाड़ सोचना पड़ रहा था कि क्या किया जाए, लेकिन फाइनली हम लोग को यही लगा कि चलो अभी इसको कील से हम लोग यहाँ पे सेट कर देते हैं, बाद में फिर देखा जाएगा जो होगा, अभी काम चलाने के लिए यही ठीक है। तो ये देखिए एक बेडशीट है, तो इसको सिंगल बेडशीट है, इसको बीच से इस तरह से मतलब डबल कर लिए हैं और इसको अब यहाँ पे हम लोग अच्छे से सेट कर देंगे। दोनों कॉर्नर पे सेफ्टी पिन की मदद से इसको अटैच कर देंगे ताकि ये गिरे ना,
और जो ऊपर का हिस्सा है वो स्केल के मदद से, क्योंकि स्केल बिल्कुल पतला सा होता है, वो आराम से अंदर की तरफ जाएगा। तो जैसे हम लोग बेडशीट अच्छे से सेट करते हैं, तो कभी कभी कॉम्ब के मदद से या किसी चीज़ की मदद से हम लोग सेट करते हैं ना, तो ठीक उसी तरीके से इसको भी सेट कर लेंगे। फाइनली हम लोगों का जैसे ये जुगाड़ वाला बेड है, ठीक उसी तरीके से बेड का सिरहाना भी बन चुका है, जिसको हेडबोर्ड कहते हैं। और क्या कहते हैं पता नहीं हमको। नीचे की जो गद्दी थी उसका तो हम लोग इस्तेमाल कर लिए हैं, वो आपको दिखाएंगे किसी दिन, लेकिन जो बैक साइड का था वो ऐसे पड़ा, हाँ उसका भी इस्तेमाल हो गया। हम लोग कुछ भी छोड़ते नहीं है, हर चीज का कहीं ना कहीं, हाँ इंडियन है तो कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा ही देते हैं। तो ये रह गया था, और जब फर्नीचर का काम लगा था ना, तो सोचे थे कि ये हेडबोर्ड अलग से बनवाएंगे, लेकिन होता है ना जब बहुत सारा काम होता है तो एकदम हम लोग थक गए थे 4-5 महीने से घर पे काम करवा करवा के, तो लगा फाइनली एक बार काम खत्म करो, बाद में जो होगा तो होगा। लेकिन जब ये सोफे का पीछे का फोम दिखा तो उनको लगा इससे कुछ जुगाड़ किया जा सकता है, और जब बनाना शुरू किया था तो हम भी नहीं सोच पा रहे थे कि ये बनेगा कि नहीं, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से बन गया। के लिए मतलब वो जो गद्दी थी ना उसके ऊपर से ये सिंगल बेड का बेडशीट है, जिसको डबल फोल्ड करके साइड से पिन लगा के सेट कर दिए हैं। चमकने लगा। I like it. इसके वजह से ना हम लोग का मन हमेशा खुश रहता है। तो अभी फिलहाल के लिए ऐसे कर दिए हैं, बाद में देखेंगे। अभी जो सिलाई मशीन है वो भी ठीक नहीं है, उसका जो रस्सी होता है ना पैर से चलाने वाला सिलाई मशीन, बाल भी तो उसकी जो रस्सी होती है ना उसको चूहे खा गए, लेके चले गए, अभी मम्मी बता रही थी, तो इसलिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा जब थोड़ा मार्केट वगैरह खुलेगी। और तो सिलाई मशीन चलाते है ना हम बंद कर देंगे यही। नहीं ऐसा नहीं, नहीं 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 ये बंद। तो जिस तरीके से ये जुगाड़ वाला बेड था उसका सिरहाना भी बन गया है, हेडबोर्ड हमारा बिल्कुल तैयार है, और थोड़ा इसको और सुंदर बनाने के लिए फिलहाल के लिए, क्योंकि एकदम खाली खाली अच्छा नहीं लग रहा था, ये फेरी लाइट लगा दी है। तो कैसा लगा जरूर बताइएगा, बहुत मेहनत से बनाया है, हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोगों को कैसा लगा वो बताइएगा। फिलहाल अब ये वाली जो परेशानी थी ना वो खत्म हो गई, कि हम लोगों का ये कुशन रात में सब नीचे चल जाता था, हम लोग बस बिस्तर पे होते थे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपनों का पूरा पूरा ख्याल रखिए। ऐसे ऐसे होता है।